हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल और एन इन्फो के इस शो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक नई एप्लीकेशन और नई ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो एप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करती है और आपको किस तरीके से हेल्प करेगी वो। तो देखिए, आपका जो स्मार्टफोन है, आपके फ्रेंड्स या पेरेंट्स कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि एक फ्रेंड ने आपका फ़ोन ले लिया, उसके बाद में सबसे पहले वो नॉर्मली वो आपके गैलरी में झांकने की कोशिश करता है कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी फ़ोटो हैं। देखिए, आपकी फ़ोटो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आपकी कुछ फ़ोटो ऐसी हो सकती हैं जो फैमिली फ़ोटो है, वो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, या आपकी आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हो सकती हैं, आप वो भी नहीं दिखाना चाहते। तो इस तरह की फ़ोटो को आपको हाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके फ्रेंड्स और पेरेंट्स ये लोग ना देख पाएँ। तो इसके लिए आप कोई एप्लीकेशन का यूज़ करते, जैसे कि ऐप लॉकर का यूज़ करते थे और आप अपनी गैलरी को लॉक करते थे। उस केस में भी होता क्या था, आपने उसका यूज़ किया और अपनी गैलरी को लॉक कर दिया। जब आपका कोई फ्रेंड उस गैलरी को ओपन करेगा तो उसको ओपन करने के बाद में उसको वही पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वो इजीली आपसे खुलवा भी सकते हैं कि यार खोल दे, कोई बात नहीं यार, मेरे से क्या जा रहा है, मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस तरीके से खुलवा सकता है वो। बट इसके लिए आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर की मदद से आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ईजिली हाइड कर सकते हैं, जो कि कोई देख भी नहीं पाएगा और आपको आपके किसी फ्रेंड या पेरेंट्स को पता तक नहीं लगेगा कि आपने कुछ छुपाया हुआ है अपने फ़ोन में। तो चलिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करती है और उसको कैसे कैसे वर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में ऊपर आपको लिखना पड़ेगा स्मार्ट हाइट कैलकुलेटर, ठीक है, ये एप्लीकेशन आ गई है। उसके बाद में आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल करके। तो इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स हैं, 1 मिलियन डाउनलोड्स, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसकी जो रेटिंग दी गई है वो रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 3.8 की रेटिंग है और काफ़ी अच्छी है एप्लीकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जब तक ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है। इस एप्लीकेशन में आपको कैलकुलेटर का थीम मिलेगा, जो आइकन है वो कैलकुलेटर का होगा जो आपको दिख रहा है, यही कैलकुलेटर का आइकन होगा इसमें। और जब आप या फिर आपका कोई फ्रेंड इसको ओपन करता है तो नॉर्मली वो कैलकुलेटर का यूज़ कर पाएगा, जैसे वो जमा घटा गुणा भाग एनीथिंग जो भी करेगा वो इसमें ईजिली वर्क करेगा, किसी को कानों कान खबर नहीं मिलेगी कि ऐसा कुछ इसमें था। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन ये ओपन हो गई है, उसके बाद में आपको पासवर्ड वगैरह जो है वो सेट करना होगा। अभी जो मैंने इसका लास्ट टाइम डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो किया था वो ये था, देखते हैं वो पासवर्ड काम करता है कि नहीं करता। जी हाँ, वो पासवर्ड काम करता है। अभी यहाँ पर मैं चेंज पासवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड का आइकन आ रखा होगा और वहाँ पर लिखा होगा सेट पासवर्ड। उसके बाद में आपको पासवर्ड सेट करना होगा, जैसे कि मैं पासवर्ड इसका कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसमें कुछ यूनिक करना चाहता हूँ मैं तो इस सिंबल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, जो यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, जो जमा घटा गुणा भाग इस तरीके से दे रखे हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ +6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको मैं फिर उसके बाद में इजीगल टू, इस पर मैं क्लिक करना होगा मेरे को। अभी इधर कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में सेम वही मेरे को रिपीट करना होगा 4 5 6 +6 5 4 3 2 1, एंड देन फिर से मुझे इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आ रखा है एंटर सेकेंडरी पासवर्ड। सेकेंडरी पासवर्ड आपको ये बताता है कि इनकेस अगर जो आप अपना पुराना वाला जो पासवर्ड, जो आपका मेन पासवर्ड है वो, उसको आप भूल गए हैं और आपको याद नहीं है, तो रिकवर करने के लिए आपको एक नया पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पर, कि जो आपको याद रहे। तो यहाँ पर दे रखा है दिस पासवर्ड विल रिक्वायर्ड इफ़ यू फॉरगेट द पासवर्ड टू गेट इनटू पासवर्ड रिकवरी मोड प्रेस, ये आपको बटन दबानी है इन द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर आपको ये बटन दबानी होगी, आपका ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप सेट भी कर सकते हैं और ना भी चाहें सेट करना तो भी ईजी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से प्लस लगा के उसके 9 से अब उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी है इसमें। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ 1 2 3 4 5 6 +6 5 4 3 2 1, एंड देन इज इक्वल। अभी देखते हैं, ये देखिए
पासवर्ड चेंज हो चुका है, अब इसको मेरे को जो फाइल्स हैं मुझे वो हाइड करनी है, वो हाइड कैसे होंगी? तो हाइड फाइल्स पे जाना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद में मेरा जो फोल्डर है जो मैं हाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने हाइड किए हुए हैं शायद, वो देखता हूँ हाइड हैं या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हाइड किए हुए हैं, जो डाउनलोड का फोल्डर था वो मैंने पूरा का पूरा हाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर वो हाइड कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये पूरा फोल्डर मैंने हाइड किया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था और ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ये आप इजीली हाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप कुछ एप्लीकेशन हैं वो भी लॉक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो कोई सुझाव या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ, अगर जो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।